हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गो वेल पे। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दूध के सेवन से होने वाले लाभ और किन आदतों की वजह से या किन चीज़ों के साथ दूध का सेवन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध एक ऐसा आहार है जिससे शायद ही कोई इंसान इस दुनिया में वंचित रहा होगा। गाय और भैंस के दूध में कई सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं और ये आसानी से हर जगह उपलब्ध भी हो जाता है, जिस वजह से पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिहाज से बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके इतने गुणों के कारण दूध को कम्प्लीट फूड भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, दूध का इस्तेमाल हम सब डेयरी प्रोडक्ट्स, दही, स्वीट्स, आइसक्रीम, घी, पनीर, बटर और चीज़ के रूप में करते हैं। दूध में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट होने के साथ इसमें कई सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिसमें कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक भी शामिल है। अब बात करते हैं दूध के सेवन से होने वाले लाभ के बारे में। दूध में पूरे 9 एमिनो एसिड्स होने की वजह से ये कंप्लीट प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। इसलिए दूध का सेवन आपके ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल्फ रिपेयर और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करता है। दूध में कैशिन और वे नामक दो प्रोटीन होते हैं, जिसमें से दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन में 80% कैशिन और बाकी का 20% वे होता है। कैशिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है, इसलिए ये स्लो डाइजेस्टिव डेयरी प्रोटीन है, जबकि वे प्रोटीन को हमारा शरीर जल्द ही डाइजेस्ट कर जाता है। दूध में पाए जाने वाले वे प्रोटीन में सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स को कैशिन स्लोली रिलीज कर मसल ग्रोथ को बूस्ट करने में मदद करता है और वे प्रोटीन बॉडी स्ट्रेंथ को इनक्रीज करने के साथ मसल गेन करने और फैट लूज करने में मदद करता है। वर्कआउट के कुछ देर बाद दूध का सेवन करने से इसमें मौजूद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के मसल्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। दूध में कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो फैट बर्न करने में मदद करता है, यानी कि ये वेट लॉस करने में कारगर साबित हो सकता है। दूध में अच्छी मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी होता है, जो आपके बोन्स और टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में सहायक है। इसलिए दूध का सेवन आपको हड्डियों से जुड़ी समस्या जैसे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क से बचा सकता है। दूध में पाए जाने वाले विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन का मुख्य कार्य है शरीर में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर बॉडी में एनर्जी सप्लाई मेंटेन करना। राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट्स को ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है, जिसे हमारा शरीर फूड से बनाता है और ATP शरीर के ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस कर सप्लाई करता है और राइबोफ्लेविन हमारे आँखों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। विटामिन B12 की अच्छी मात्रा दूध में होने की वजह से दूध का सेवन नर्व्स को हेल्दी रखने में, RBC के प्रोडक्शन में, DNA को बनाने में, ब्रेन फंक्शन सही रखने में और इसी के साथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से बचाने में काफ़ी मदद करता है। विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि विटामिन B12 यानी कि कोबालामिन और विटामिन B9 जिसे फोलेट कहा जाता है, यह दोनों ही विटामिन मिलकर RBC और DNA के निर्माण में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसे बीमारी से बचाने में मदद करता है। इसके साथ ही विटामिन B12 नर्व टिश्यू को हेल्दी रखने और ब्रेन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दूध में अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है जो कैल्शियम के साथ मिलकर शरीर में बोन्स और टीथ को रिपेयर और बिल्डअप करता है। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर में फॉस्फेट बनाता है। पूरे शरीर का 85% फॉस्फेट हड्डियों में ही होता है, जबकि बाकी फॉस्फेट बॉडी सेल्स में होता है जो एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करता है और हमारे शरीर की आधे से ज़्यादा हड्डियाँ फॉस्फेट से ही बनी है। फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को किस तरह इस्तेमाल करे। इसी के साथ ये बॉडी के ग्रोथ के लिए प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है।
फास्फोरस की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की समस्या हो सकती है। कोलाइन दूध में पाए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपके नींद, मसल मूवमेंट, लर्निंग एबिलिटी और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके साथ ही ये नर्व सिग्नल्स के साथ मिलकर फैट एब्जॉर्ब करने और सूजन कम करने में सहायता करता है। दूध एक कंप्लीट फूड है, जिस वजह से बढ़ते हुए बच्चों को रेगुलर दूध का सेवन करवाया जाए तो ये उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और दूध का सेवन बढ़ते हुए बच्चों में वेट को बैलेंस बनाए रखता है, यानी कि ये अनवांटेड फैट को शरीर से कम करने में मदद करता है। दूध में पोटेशियम और मैग्नीशियम होने की वजह से इसका सेवन आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, जिससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही बनी रहती है, जिस वजह से बीपी का स्तर शरीर में नॉर्मल बना रहता है। इतनी सारी विशेषताएं जानने के बाद अब आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि हमें गाय के दूध का सेवन करना चाहिए या फिर भैंस के दूध का। कहीं हम दूध पीने से मोटे तो नहीं हो जाएंगे? मोटे लोगों को या ओवरवेट वाले लोगों को दूध पीना चाहिए या नहीं? दूध कब पीना चाहिए? इतने सारे सवालों को लेकर लोग काफ़ी जिज्ञासु बने रहते हैं, पर उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाता। चलिए आगे जानते हैं इन सारे प्रश्नों के सही उत्तर। यूं तो गाय और भैंस दोनों का ही दूध काफ़ी पौष्टिकता से भरपूर होता है, पर गाय के दूध में भैंस के दूध के मुकाबले पौष्टिकता कम होती है। आइए इन दोनों के दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में जानते हैं। जहां भैंस के 244 ग्राम दूध में 237 कैलोरीज होती हैं, वहीं गाय के दूध में 148 कैलोरीज होती हैं। भैंस के दूध में 17 ग्राम टोटल फैट होता है, जबकि गाय के दूध में 8 ग्राम टोटल फैट होता है। भैंस के दूध में 11 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, वहीं गाय के दूध में 4.6 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है। भैंस के दूध में 127 मिलीग्राम सोडियम होता है और गाय के दूध में 105 मिलीग्राम सोडियम की मात्रा होती है। जहां 244 ग्राम भैंस के दूध में 41% कैल्शियम होता है, वहीं गाय के दूध में 27% कैल्शियम होता है। भैंस के 244 ग्राम दूध में 2% आयरन होता है, वहीं गाय के दूध में आयरन नहीं पाया जाता। और भैंस के दूध में शुगर 13 ग्राम और गाय के दूध में 12 ग्राम। भैंस के दूध में प्रोटीन 9.2 ग्राम और गाय के दूध में 8 ग्राम। भैंस के 244 ग्राम दूध में विटामिन ए 9% और गाय के दूध में 7%। भैंस के दूध में टोटल कार्बोहाइड्रेट 13 ग्राम और गाय के दूध में 12 ग्राम। भैंस और गाय दोनों के ही दूध में डाइट्री फाइबर नहीं होता। जहां भैंस के दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, वहीं गाय के दूध में भैंस के दूध के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। अब दिखाए गए न्यूट्रिशनल वैल्यू के माध्यम से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको भैंस के दूध का सेवन करना चाहिए या फिर गाय के दूध का। जहां तक मोटे लोगों का सवाल है, उन्हें गाय के दूध का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध में गाय के दूध के मुकाबले ज़्यादा फैट होता है, जो कि ओवरवेट वाले लोगों के लिए और भी परेशानी खड़ी कर सकता है। अब बात करते हैं कब और किस तरह दूध का सेवन आपके शरीर के लिए अधिक लाभकारी है। दूध में कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है, जो इसे कंप्लीट फूड के साथ बल्की फूड भी बनाता है। इसलिए इसका सेवन आपको रात को खाना खाने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद और सोने से आधा घंटा पहले ही करना चाहिए। जो कि दूध एक बल्की और न्यूट्रिशन से भरपूर फूड है, इसलिए इसका सेवन आपको खाली पेट करने से कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप दिन के किसी और वक्त दूध का सेवन करना चाहते हैं तो ये ध्यान रहे कि लाइट फूड या हल्के भोजन के साथ ही दूध का सेवन करें। चलिए जानते हैं किन गलतियों की वजह से दूध का सेवन लोगों के शरीर में नुकसान पहुंचाता है। खाने के साथ दूध का सेवन। दूध खुद में ही एक कंप्लीट फूड है, जिस वजह से खाने के साथ इसका सेवन करना मतलब दो वक्त का खाना एक साथ खाना है, जिस वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, जिससे दूध और खाने दोनों का ही न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता। इसलिए खाना खाने और दूध पीने के बीच 1.5 से 2 घंटे का गैप मेंटेन करें। दूध के साथ नमक का प्रयोग। दूध के साथ नमक वाली चीज़ों का सेवन और सब्जियों में दूध का प्रयोग करना
दोनों ही अवस्था इसे स्लो पॉइजन बनाता है जो आपके शरीर में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जिस वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। फिर चाहे आप अपने स्किन का कितना ही ख्याल क्यों ना रखते हों, यह एक गलती आपकी पूरी मेहनत बेकार कर देगी। फलों के साथ दूध का सेवन। ज़्यादातर फलों के साथ दूध का सेवन अगुणकारी माना गया है, खासकर खट्टे फलों के साथ। केला और आम पके हों और पूरी तरह मीठे हों तो ही इनके साथ दूध का सेवन किया जा सकता है। मांसाहारी खाने के साथ दूध का सेवन। मछली और मांस के साथ दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इन सारे चीज़ों में हाई लेवल ऑफ प्रोटीन पाया जाता है जिस वजह से इनको एक साथ सेवन करने से डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप मछली और मांस का सेवन करते हैं तो कम से कम 3 घंटे बाद ही दूध का सेवन करें। दूध के साथ विरुद्ध आहार। मूली, बैंगन, दही, तिल और कच्चे प्याज के साथ भी दूध का सेवन विरुद्ध माना जाता है, जिस वजह से इन चीज़ों के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। लैक्टोज इनटॉलरेट। दूध में नेचुरल शुगर यानी लैक्टोज होता है और पूरी दुनिया में लगभग 65% लोग लैक्टोज नहीं पचा पाते, तो उस अवस्था में क्या करें ताकि दूध आपको डाइजेस्ट हो सके। शुरुआती दिनों में थोड़ा दूध लेकर बॉयल करते समय 1 या 2 चुटकी अदरक के सोंठ का प्रयोग करें और कुछ देर उबालने के बाद जब दूध हल्का गर्म हो तब इस दूध का सेवन करें और अपने बॉडी का डाइजेस्टिव रेस्पॉन्स देखते हुए दूध की मात्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। इस तरीके से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दूध को डाइजेस्ट करने लगेगा। दूध खुद में ही काफ़ी हैवी होता है और ठंडे होने पे ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए ठंडे दूध के सेवन से आपको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। दूध में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो गर्म होने पे एक्टिवेट होकर इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से हमें हमेशा ही गर्म दूध का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों के शरीर में म्यूकस यानी कि कफ या बलगम की शिकायत रहती है उन लोगों में दूध के सेवन से ये समस्या थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसे लोगों को दूध का सेवन करने से पहले दूध उबालते वक्त थोड़ी मात्रा में अदरक, इलायची या दालचीनी का प्रयोग दूध में करने से ये म्यूकस या कफ को बनने नहीं देता। इसके बावजूद अगर किसी को म्यूकस या कफ की शिकायत हो तो दूध को उबालने के बाद दूध के ऊपर जमी मलाई की परत को हटा दे और इसमें थोड़ी मात्रा में हल्दी पाउडर मिलाकर इस दूध का सेवन करें। इससे अवश्य ही आपको म्यूकस या कफ में राहत मिल सकती है। पूरी दुनिया में लगभग 6 अरब से अधिक लोग दूध या दूध से बनी चीज़ों का नियमित रूप से सेवन करते हैं। ये मनुष्य जाति का एक आवश्यक आहार बन चुका है, क्योंकि दूध देने वाली गाय और भैंस सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूध हमारे शरीर को पोषण देकर उसे मजबूत बनाता है, शरीर के विकास और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसका यह गुण इसे सभी आहारों में सर्वश्रेष्ठ बनाता है। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें और हमारे चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें और ऐसे ही जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल गो वेल।